ये प्रीति सूरी को बाहर निकालो यहाँ से अभी के अभी। ये क्लिप आज के ब्लॉग में जाएगा। मैं इस बंदे की सुबह सुबह 6 बजे उठ के हेल्प कर रही हूँ वीडियो में, कह रहा प्रीति सूरी को बाहर निकालो, बाद में वो वीडियो बना रही है। कितनी डिमांड है। हाँ तो जा जा वीडियो मैन वीडियोग्राफर को बुला रहा जा। सौरभ सूरी के लिए नाश्ता रेडी हो गया है। कुछ खास नहीं है, बस ब्रेड के ऊपर अंडा फ्राई करके रख दिया है क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं है। प्लीज़ ये नाश्ता कर लेना, ठीक है। कुछ खास नहीं है, ब्रेड के ऊपर सिर्फ मैंने अंडा फ्राई करके रखा है। और मुझे पता है मुझे तुम्हारी वीडियोज़ चेक करनी है, थोड़ा सा सब्र रखो, कर रही हूँ। डॉक्टर का फ़ोन आने वाला है, रिसेप्शनिस्ट से बात हुई है, तो मैंने उसे बोला यार हमें अपने डॉक्टर से दे दे अपॉइंटमेंट। कहती है आपका डॉक्टर तो छुट्टियों पे है। कहती डोंट वरी, डॉक्टर डार्ट विल कॉल यू। अबीर को मैं देने लगी हूँ मनु का हनी विद जिंजर जूस। जब अबीर 1 ईयर का था तब से अबीर ये ले रहा है। तो ये है मनु का हनी, ये अनपेस्चराइज्ड है और इट्स प्योर। इसमें तरह तरह की वेराइटीज़ आती हैं। तो ये हनी देते हैं, इसके साथ हम उसे देते हैं जिंजर जूस में मिक्स करके। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ 1 मिनट में कि मैं कैसे मिक्स करती हूँ। उससे पहले आई ऑलवेज स्टरलाइज यू नो जो जिस बोल के अंदर मैं बनाती हूँ, एंड ये कैल्पोल एडमिनिस्टर करने वाला यू नो आई कॉल इट इंजेक्शन बट आई एम श्योर इट हैज़ अ स्पेसिफिक नेम ऑल्सो। और स्पून बस थोड़ा सा हनी ले लेंगे। तो मैं रोज़ सुबह ये फ्रेश बनाती हूँ और आज पता नहीं कितने साल हो गए ये हमारी मॉर्निंग रूटीन है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी फ्रेश जिंजर जूस। तो मैं ऐसे जिंजर को ग्रेट करके रख लेती होती हूँ, फ्रेश जिंजर है ये। और यहाँ पर रखूंगी मैं छन्नी एंड देन आई विल प्रेस द जिंजर विद द हेल्प ऑफ स्पून। और ये देखो जूस आ रहा है उसका। तो जितना जूस मुझे चाहिए वो मैं पोर कर दूंगी बोल में और छन्नी की हेल्प से कोई भी बिट्स नहीं जाएंगे। बस अब दोनों को ऐसे मिक्स कर देना। जब हम कहते हैं स्वीट दवाई लेके आ रहे हैं, ही नोज दैट कि हनी और जिंजर आ रहा है और उसको पीना है। इट्स टू एडमिनिस्टर द मेडिसिन टू किड्स। स्पून से कई बार स्पिलेज हो जाती है लेकिन इसकी हेल्प से बहुत इजी मेडिसिन बच्चों के अंदर चली जाती है। तो बस इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे एंड देन इस इंजेक्शन को ऐसे भर लेंगे। तो रेडी है हमारी स्वीट दवाई, चलते हैं और अबीर को देते हैं। गुड मॉर्निंग, स्वीट दवाई का टाइम हो गया। चलो उठो, उठ कर बैठो। डॉल्फिन ही का है, अभी का फेवरेट टॉय है डॉल्फिन। थोड़ी सी बची है। चलो तो अभी मेरे ऑफिस में आ चुका है। आज अभी सारी कॉल्स करेगा, मैं जा रहा हूँ सोने। पता है इसके ना चैन नहीं है इसकी ढुई में कि 2 मिनट में बेड पे बैठ जाओ। ये बीमार है गाइस, ये बच्चा बीमार है। आप ध्यान से देखिए। हां सच में सारी रात नहीं सोई हूं, बस सुबह ना ब्लॉक में कैसे सांस ले रहा था वो रात। सीरियसली देखो तेरे से कहते सांस ले रहा था ऐसे, थोड़ा डॉक्टर के सामने भी कर लेना। अब मुझे ना काम करना है, अब बाहर जाओ। डॉक्टर को लगेगा माँ झूठ बोल रही है। दैट इज कॉल स्टार्टिंग इन 10 मिनट्स, आई नीड टू फिनिश द ब्रेकफास्ट, मम्मी वेट। चलो चलो बेटा, खांसी शुरू हो गई। मैंने इसको दूसरा कफ सिरप दिया, हम एक और कफ सिरप लेके आए हुए थे बच्चों वाला, वो दिया है, इसको चेंज करा लो कफ सिरप। तो अभी अभी सूरी के लिए नाश्ता रेडी हो गया। वैसे मैं इसको बिल्कुल भी रूम में सर्व करती नहीं हूँ लेकिन आज मेरे से करा है बिकॉज ही इज नॉट वेल। पर रिमोट को छोड़ दो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, रिमोट दे दो मुझे। कॉफी दे देते हैं सौरभ को भी, आपकी ब्लैक कॉफी। थैंक यू। मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि डॉक्टर का कॉल कभी भी आ जाएगा और मुझे उसको लेके जाना है डॉक्टर के पास। आज बहुत दिनों के बाद ये टी शर्ट निकाली है। एनीवेज गाइस, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख पता क्या है, जब आप तैयार हो रहे हो और आपको कंघी करनी हो और आपको आपका रबर बैंड ना मिल रहा हो। ये मेरा सबसे बड़ा दुख है। इतने रबर बैंड्स हैं मेरे घर में लेकिन पता नहीं रबर बैंड्स कहाँ चले जाते हैं। अभी एक मिल जाए तो गनीमत है। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और वेट कर रही हूँ डॉक्टर की फ़ोन कॉल का, जो कि अभी तक नहीं आई है। तो जब तक डॉक्टर मुझे फ़ोन नहीं करता मैं डॉक्टर के यहाँ पर जा नहीं सकती। तो देखते हैं, आई थिंक एडिटिंग शुरू कर देती हूँ क्योंकि अभीर को मैं नाश्ता तो करवा ही दिया है, उसके बाद उसके लंच का टाइम हो जाएगा। तो डॉक्टर का तो फ़ोन अभी तक आया नहीं है लेकिन मैंने अभी दोबारा फॉलोअप लिया है। तो दे सेड कि आप वेटिंग में हो, अभी बस आपको आधे घंटे तक कॉल आ जाएगी। मैंने कहा चलो उसका दोपहर का खाना बना देती हूँ। एक्चुअली ना कफ बहुत ज़्यादा है, कफ करना शुरू करता है तो करता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको देख के लग नहीं रहा कि वो बीमार है। भाई इतना खेलता है, इतना खेलता है, भाई मुझे कह रहा है मुझे गार्डन में जाने दे, पर ऐसा हो नहीं सकता ना।
सीरियसली आज का दिन भी ऐसे ही चला गया। कोई बात नहीं, एक बार वो ठीक हो जाएगा फिर मैं अपने काम कर लूंगी। बेटा बना रही हूँ रोटी, खाना खिलाती हूँ इसको। हाँ बेटा क्या हुआ है बताओ मुझे। Basically, remember the necklace thing you got me? हाँ। And the bracelet. The bracelet is okay. I don't even know what the bracelet is. I think it's in my cupboard or something. Or the. हुआ क्या है आगे बताओगे? Shelf. Or like the drawers. But the necklace, I was just playing with it. I put it on my feet and I stretched it. बहुत ही प्यारी बात है। टूट गया वो? Yeah. रूम में टूटा हुआ है? Yeah. No, it's not like boom. It was boom, but I piled it all together so you can throw it in. Oh. बेटा बीमारी में भी चैन नहीं है ना तुम्हें? डॉक्टर का मैसेज आया, she is trying to reach us, लेकिन वो कह रही है तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा है। हाँ सिग्नल जाने चाहिए, हाँ तो रहे हैं। आ जाए फोन भाई, इसको लेके जाना है मुझे, मैं आज रात नहीं काट सकती। अगर ये अगर आज उसने हमें अपॉइंटमेंट नहीं देना, हम उसको इमरजेंसी लेके चलते हैं, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा है। तूने सुनी थी ना रात को, मैंने तो रिकॉर्ड भी करके दिखाई है। काफी ज्यादा ऐसे जब सोता है। सॉरी यार मैंने किसको डरा दिया हो? तेरे से में कम हो रहे हैं मेरे में, ठीक है ना? मेरे सिग्नल कम हो रहे हैं? कम क्यों हो रहे हैं? मेरे ई क्यों आ रहा है ऐसे? अभी लेट्स गो, डॉक्टर का फोन आ गया एंड शी इज गिवन अस द अपॉइंटमेंट। आई आर अपॉइंटमेंट मिल गई। हां बोलो बेटा, व्हाई आर यू सो हैप्पी? आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स। बेटा मैं हैप्पी नहीं हूँ, मतलब कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट लाफिंग, आई एम वेरी सॉरी। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अभी डॉक्टर को ना सब कुछ बता देना बेटा, व्हाटएवर यू फील। ओके तो बस हम देखा ये खांसी से शुरू होती है, मैं उसको यही कह रही थी। निकल गए हैं, डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी है 5:30 बजे की। वो कह रही थी कि थोड़ा सा रश होगा, अगर 5:30 से 6:45 भी हो सकते हैं। मैंने कहा तू भाई अपॉइंटमेंट दे, कोई बात नहीं, हो जाएंगे तो नो प्रॉब्लम। आई होप कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि टोटल 5 डेज से ऊपर हो गया है ना। अभी साउंड बहुत गंदा है उसका, वो उसको हम पहले भी डील कर चुके हैं, जब भी ऐसे डील करते हैं इसमें हमेशा चेस्ट ब्लॉक होती है। सीरियसली हमारे साथ ना पहले भी हो चुका है। इसके साथ ऐसे हुआ था, हमें लग रहा था कि चलो पैरासीटामोल से कफ सिरप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5-6 दिन हो ही चुके हैं, 6 दिन तो हाँ 6-6 दिन है उसे देखा जाए तो। तो देखते हैं यार, लास्ट टाइम तो शुक्र है एक चीज बहुत अच्छी है, बुखार नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? मम्मीज सिचुएशन वाज डिफरेंट, योर्स इज डिफरेंट। यू आर ईटिंग फूड, यू हैव नो पेन। मम्मी वाज हैविंग सिवियर पेन, रिमेंबर? Your parents are with you. Dad is on one side, mom is on one side. And you are very brave, I know that. Okay? You'll be fine. Abhi. You'll be fine. Choti! Camera wali koshish kar rahi hai. Aage. Apne seat belt mein utarna abhi. I am still wearing my seat belt. I have my 8. But still, you got your 8 puppet. मम्मी ने लाके दिया अभी इसको। चलो अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, ये भी सेफ नहीं है, ऐसे बैठना सेफ नहीं है, बैठ जाओ। भाई कितना क्यों बोलता है यार ये बंदा? अबीर की बात कर रहे हैं। पता नहीं किस पे चला गया ये। I'm sorry God. I'm sorry God. किस पे चला गया ये? मुझे क्या पता किस पे चला गया? तुम पे ही गया है, मेरे पे नहीं गया वो। तुम्हारे खानदान में कोई है जो इतना बोलता हो? तुम्हारे खानदान पे ही गया है वो, इतना चुप ही नहीं करता। हमारे घर में तो ना हमारी दादी एकदम चुप करके बिठा देती थी। दादी भी चला गया तेरे। I'm sorry God. अबे डॉक्टर के पास जा रहे हो अभी तक? चुप हो जाओ। I'm sorry God. डॉक्टर पता है सुबह से मैंने कितनी, जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता होगा, सुबह से पता है मैंने कितनी जान खा रखी है एनएचएस की। मेरे तो बेइज्जती होनी है वहाँ पे आज इतनी। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर देखो 4 टीके लगाए, 4 टीके लगाए। रात को आया था मेरे पास उठ के कंबल लेके अपना, मम्मी माय थ्रोट इज ब्लॉक्ड मम्मी। तब माँ बेचारी भागती है इधर उधर, डैडी तो रहने दो, डैडी तो मुंह ऐसे करके पड़े हुए थे, डैडी तो हिले तक नहीं वहां से। बहुत ज्यादा अब सब चुप। मम्मी डॉक्टर कॉल है। वाहे गुरु वाहे गुरु, सबको शांति दे वाहे गुरु जी। क्या बैठ जाओ बेटा, यू वांट सम वाटर? ओके आई विल गिव यू सम हॉट वाटर। हाँ के बस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। अच्छा। हाँ अभी उन्होंने चेंज कर दिया ना, डेट ऑफ बर्थ डालो, वो बता देते हैं आपकी कितने बजे की अपॉइंटमेंट है।
हाँ डॉक्टर को पता है हम आए हुए हैं. Lips are tight on round, yeah? Not with the teeth, but only the lips. Yes? Now, mm-hmm. I'll be pushing here. I'm gonna count 1, 2, 3. And I want you to do, when I say 3, I want you to say at once, yeah? You think you can do that? Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Is the lips tight on the thing? Yes. So, 1, let's count together. Mm-hmm. 2, 3. Yeah? That's just a practice. Got it? Yes. No. Did you feel it? No. No, it's not going through. Let's try one. So 1, 2. Yes. Oh, I didn't feel it. No. Alright? You did feel it, but it's come back straight away. We say, you got it. You need to hold. I didn't tell you probably that point last. Yeah. You need to keep your mouth shut. For mouth closed. And keep your mouth closed. Yes, you hold your breath for a few seconds. And then when you're breathing it, you do it slowly. You hold for seconds and then breathe slowly. Keep your mouth shut and keep your lips sealed. Mm-hmm. And on 3, you breathe. Yeah. Okay. घर वापस आ गए हैं. अभी ये चेंज कर रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए चिकन सूप. तो डॉक्टर ने क्या कहा, आपने जो पीछे वाले शॉट्स में देखा है उसको, वो इनहेलर दे रहे थे, वो क्यों इनहेलर दिया है उसे, कौन सी मेडिसिन उसको दी है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले मैं बनाती हूँ उसके लिए सूप, क्योंकि उसका डिनर का टाइम हो गया है और टाइम इस टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं. अभी 7:30 तक सो जाता है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो जाएगा. तो मैं फटाफट से उसका डिनर प्रिपेयर करती हूँ ताकि वो डिनर कर ले और उसके बाद थोड़ा रुक कर ही विल गो टू द बेड. तो थोड़ी सी जल्दी में आऊँ आपको, बस थोड़ी ही देर में सारी डिटेल्स देंगे और या आपसे बात करते हैं. तो चिकन सूप रेडी हो चुका है, बस इसको ब्लेंड करना है. मैंने एक मोटी इलायची भी डाल दी थी, ये सब कुछ ब्लेंड कर दूंगी और उसका चिकन सूप रेडी हो जाएगा. तो सूप सारा ब्लेंड हो गया है, लेकिन मैं इसको एक बार बड़ी वाली छन्नी के अंदर डालकर छान भी लूंगी. अच्छी तरह छान लिया इसको? अच्छी तरह से छान लिया. तो जितने भी टमाटर के छिलके थे, इलायची के दाने थे, वो सब कुछ अब सूप के अंदर नहीं गए हैं, लाइक उनका असर चला गया सब चीज़ों का ना. अभी सूजी को यही पसंद है. ऐसे जितना भी चिकन आ रहा है ना मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, लेकिन ऑलरेडी ये यू नो काफ़ी असरदार है. तो तैयार है चिकन सूप. तो तैयार है भाई, तो तैयार है मेरा चिकन सूप और साथ में ब्रेड. देखते हैं वीर को कैसा लगता है. Actually looks like pumpkin soup. It actually looks like pumpkin soup. I am not gonna lie. Yeah, because I put some carrots also. No, I'm joking. I'm How joking. How can you put carrot in chicken soup? Yeah, exactly. Weird. Enjoy. Thank you. Guys, मौत को छू के टक से वापस आ गई मैं. मैंने carrots डाली थी. मैंने कैरेट्स डाली है, लहसुन डाला है, अदरक डाली है, मोटी वाली इलायची डाली है और क्या डाला है, और मैंने थोड़े से टमाटर डाले हैं छिलका उतार के, और क्या डाला है मैंने, और कुछ नहीं डाला. तो मैंने डाली थी कैरेट्स. अभी सोने चला गया है, खाना वाना खाकर सूप पीकर, अच्छा लगा उसे सूप पी के. तो आज मैंने थोड़ा पतला पतला सूप बनाया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं कल ना हरी दाल का सूप बनाऊँगी, वो भी उसे बहुत अच्छा लगता है. तो होपफुली ये सब चीज़ें करके थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ. तो बस हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इसको चेक करा. तो डॉक्टर ने कहा है कि देखो इसमें उसे कुछ भी, उसको इन्फेक्शन के तो कोई साइन नज़र नहीं आए. ऑब्वियसली उसने सिर्फ स्टेथिस्कोप से ही चेक करा है, बट शी सेड आई कैन नॉट हेयर एनी क्रैकलिंग नॉइस. शी सेड हाउ एवर हिज चेस्ट इज़ टू टाइट. तो उसने बोला है क्योंकि उसकी चेस्ट बहुत टाइट है, एज सच उसे कोई अस्थमा के सिम्टम्स नहीं हैं, बट फिर भी हम उसको इन्हेलर दे रहे हैं. तो इन्हेलर के पफ से क्या होगा कि उसकी चेस्ट थोड़े, उसकी चेस्ट, उसके लंग्स थोड़े खुलेंगे. तो हमें उन्होंने इन्हेलर प्रिस्क्राइब करा और बोला है कि उसके 1 to 2 पफ 4 times a डे देने हैं. तो उसके साथ एक और चीज़ इन्हेलर के साथ अटैच हो सकती है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ मेडिकल टर्म्स में, वो अवेलेबल नहीं थी फार्मेसी पे, तो वो हमें कल मिलेगी. तब तक, जब तक
वो एक आई थिंक इट्स लाइक अ सिलेंडर, प्लास्टिक का एक सिलेंडर टाइप चीज़ है जो कि इनहेलर के आगे लग जाएगा एंड देन इट विल बी ईजी फॉर अ बी टू टेक द पफ्स फ्रॉम इनहेलर, क्योंकि अभी हमें डायरेक्टली पफ्स उसे इनहेलर से देने पड़ रहे हैं. तो आपने देखा होगा पिछले शॉर्ट्स में जैसे डॉक्टर ने समझाया हमें कि जब आप पफ को जब आप प्रेस करोगे इनहेलर को एट द सेम टाइम ही हैज़ टू ब्रीद इन. तो ये दोनों चीज़ें यू नो बहुत ही सेम टाइम पर होनी चाहिए, अदरवाइज इनहेलर के पफ्स अंदर नहीं जाएंगे. तो देखते हैं कैसा चलता है. सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं. सबसे बड़ी बात ये है कि पता नहीं आप लोग मुझसे रिलेट करोगे कि नहीं करोगे. यू नो जब ये वर्ड्स आ जाते हैं ना इनहेलर टाइप के, ऑब्वियसली एज अ पेरेंट्स आप बहुत वरीड हो जाते हो, और मैं जो कि मैं हो चुकी हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट एट द सेम टाइम आई एम कीपिंग माई सेल्फ पॉजिटिव, क्योंकि मुझे अंदर से ये लग रहा है कि उसको एस्थमा नाम की कोई चीज़ नहीं है. ही इज़ फाइन. आई थिंक इट जस्ट दैट कि यू नो वो जो हिंदी में बोलते हैं कि ठंड छाती में चली गई है, सो आई होप कि उसकी चेस्ट जो भी टाइटनिंग हो रही है ही विल बी फाइन सून. और देखते हैं इनहेलर से क्या फ़र्क पड़ता है. डॉक्टर ने हमें किसी भी तरह की कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करी है. शी सेड देयर इज़ नो नीड टू गिव इट ऑल्सो. वो बोल रही है पैरासीटामोल भी मत दो, अगर उसे फीवर हो ही नहीं रहा है तो मत दो, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा. तो वो भी नहीं दे रहे हैं हम उसको. तो देखते हैं कैसा चलता है सब कुछ. और शहद और जिंजर जूस तो मैं उसको दे ही रही हूँ, और अजवाइन का पानी, ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं. और बस यार आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस और अभी ठीक हो जाए जल्दी से. तो बस जब भी घर में कोई बीमार होता है या कुछ भी होता है मेरी लाइफ में, आई ऑलवेज मेक अ ब्लॉग, क्योंकि जब हम अच्छे दिन दिखा रहे होते हैं, अच्छे मोमेंट्स दिखा रहे होते हैं, तो अगर थोड़ा सा स्ट्रगल आ जाता है तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. और स्पेशली जब मैं डेली ब्लॉग्स करती हूँ, अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगी और आप लोगों को रियलिटी नहीं दिखाऊँगी, देन देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग डेली ब्लॉगिंग. दैट्स वॉट आई थिंक. तो बस ये वाली वीडियो देख के मुझे तो स्ट्रेंथ मिलती है. आई होप एंड आई एम श्योर आउट देयर देयर मैनी किड्स हु आर नॉट वेल, और आउट देयर देयर मैनी मम्स जो हमेशा वरीड रहती हैं अपने बच्चों को लेकर मेरी तरह. तो एक दूसरे के साथ यू नो ये सब चीज़ें शेयर करके आई एम श्योर हम एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं, हम एक दूसरे को ये कहते हैं कि यू आर नॉट अलोन इन दिस. तो बस यही बातें सोचकर मैं अपनी वीडियोस में हमेशा वो चीज़ें दिखाती हूँ जो मेरे साथ हो रही होती हैं. सो आई होप कि आप लोग हमेशा की तरह अबीर को बहुत सारी विशेस भेजेंगे एंड वी आर प्रेइंग फॉर अबीर, अबीर बस ठीक हो जाए. हालांकि वो ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, वो ठीक है. बस जब कफ करता है ना वो, तब थोड़ी सी जान निकलती है मेरी. लेकिन आई एम श्योर कि इन अ वीक और सो वो भी उसका चला जाएगा एंड ही विल बी फाइन अगेन. और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर और बात करते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? तो टेक केयर गाइज एंड आई विल सी यू सून. बाय.